छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जमकर फटकार लगाई। मुख्य सचिव ने अलग अलग विभागों की बैठक एक के बाद एक ली और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट कार्ड भी मांगा। जिन अधिकारियों के काम संतोषजनक नहीं थे और वर्क रिपोर्ट सही नहीं थी उन्हें फटकार भी लगाई गई। बता दें कि मुख्य सचिव एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कलेक्टर, जिला पंचायत, सीईओ और तमाम दूसरे अधिकारियों की बैठक ली। वहीं मुख्य सचिव आरपी मंडल की माने तो उन्होंने मुख्य रूप से धान खरीदी और उसकी व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है, लिहाजा बैठक के रूप मुख्य विषय के रूप में धान खरीदी और उससे जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कुपोषण को लेकर बनाए गए प्रोजेक्ट और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा जिला पंचायत स्तर पर चलने वाली मनरेगा प्रोजेक्ट और उसकी मौजूदा स्थिति को लेकर भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, फूड के सेक्रेटरी और अन्य अधिकारी आए थे, हेल्थ सेक्रेटरी आए थे। मुख्य रूप से हम लोगों ने 3 बातों की समीक्षा की है। एक तो धान खरीदी जो आगे अभी होने वाला है 1 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक, उसके बारे में रिव्यू किए हैं। उसके अतिरिक्त कुपोषण अभियान और सीओ जिला पंचायत की जो होती है मनरेगा और दूसरे स्कीम की हम लोगों ने समीक्षा की है।